नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी रेनबो टेक्स्ट बुक का पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक हैं बर्ट्रंड रसल, जो कि दर्शन शास्त्र और साहित्य जगत के दिग्गज व्यक्ति हैं। आइए पहले इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बर्ट्रंड रसल वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, ये अंग्रेज फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, पैसिफिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। आपकी किताब में इनके और जिन जिन फील्ड्स में, जिन जिन क्षेत्रों में इनका नाम था वो बताए गए हैं। ये इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, यानी गणित का, कैलकुलस का, इन सभी विषयों का बहुत ज्ञान रखते थे। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के बहुत बड़े सपोर्टर थे। यहाँ एडवोकेट का मतलब होता है जो किसी एक पक्ष के समर्थन में अपने विचार प्रकट करे। वैसे आम भाषा में एडवोकेट का मतलब वकील भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब से समर्थक है। पैसिफिस्ट, ये शब्द क्या होता है? पैसिफिस्ट मतलब जो हर तरह के युद्ध का विरोध करे। एक पैसिफिस्ट के लिए कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जो सही हो सकता है। मानवता को कोई और तरीका अपनाना चाहिए अपने द्वंद्व का हल पाने का। युद्ध एक पैसिफिस्ट के लिए सही रास्ता नहीं है किसी भी झगड़े को निपटाने का। अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट मतलब जो तर्क में विश्वास रखता हो। रैशनलिस्ट होना दर्शन शास्त्र में एक स्पेशलिटी है, एक खास तरह के दर्शन शास्त्री को रैशनलिस्ट कहा जाता है। अभी हम इतना ही पे इसे छोड़ देंगे। और किस समय में बर्ट्रंड रसल रचना करते थे? 20th सेंचुरी में। यहाँ पे इनका जन्म और मृत्यु का वर्ष दिया हुआ है, 1872, 1872 का जन्म इनका, और 1970 की मृत्यु। तो ज्यादातर काम इन्होंने 20वीं सदी में किया। He was also a commentator on a large variety of topics, कई विषयों पे, large variety, ये आर नहीं होना चाहिए, on a large variety of topics, कई विषयों पे इन्होंने व्याख्या की है। कमेंटेटर सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, आमतौर पे हम क्रिकेट कमेंट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कमेंटेटर जो भी किसी विषय की व्याख्या करे, उस पे कमेंट्री करे, उसे कमेंटेटर कहते हैं। किन किन विषयों पे इन्होंने कमेंट्री की? हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कैंडर। एक तो देख लीजिए कितने सारे विषयों पे इन्होंने कमेंट्री की है। एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स एक इडियोमैटिक कंस्ट्रक्शन है, एक घुमावदार तरीका है कहने का कि कई सारे विषय। होस्ट माने कई सारे, इसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन इस संदर्भ में इसका अर्थ हुआ सिर्फ कई सारे विषय। और किस तरह की भाषा थी, कैसे ये कमेंट्री करते थे? पिथी एंड फुल ऑफ कैंडर। पिथी मतलब जो बहुत संक्षिप्त में कुछ कहा जाए, लेकिन छोटे में ही आदमी बहुत सारपूर्ण बात कह दे, कि दो चार शब्दों में ही वो गहरा मतलब अपना पहुंचा दे पढ़ने वाले तक, सुनने वाले तक। और कैंडर मतलब जो अपनी बात बेबाक रखे, वो हिचकिचाए नहीं अपनी बात को जोर से कहने में, इसे कहते हैं कैंडर। तो इतना सा पैसेज पढ़ने में जो आपके किताब से लिया गया है बर्ट्रंड रसल के बारे में, हमने कई सारे नए शब्द सीखे। एडवोकेट, इसका उच्चारण आपको यहाँ मिलेगा और इसका अर्थ यहाँ मिलेगा। पैसिफिस्ट, कमेंटेटर,
यहाँ कहना चाहूंगी कि आप अपनी नोटबुक निकालें और एक शब्दावली लिखना शुरू कर दें। ये अभ्यास करने से बाद में ये शब्द याद करने में आसानी होगी, इन्हें रटना ना पड़ेगा। इन शब्दों की आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपके इम्तिहान में पूछा जाता है, और वैसे भी भाषा का सही प्रयोग करने के लिए उसकी स्पेलिंग जानना जरूरी है। प्रोमिनेंट, रैशनलिस्ट, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक अभी बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, अभी हमने प्रोलिफिक नहीं इस्तेमाल किया है, उसका मतलब आपको समझाते हैं बाद में। पिथी एंड कैंडर। आगे रसल के बारे में जानते हैं। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, रसल्स वॉइस कैरीड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। दुनिया के सबसे प्रख्यात बुद्धिजीवी होने के नाते या दुनिया के बुद्धिजीवियों में से एक होने के नाते रसल की आवाज, आवाज मतलब खाली बोलने वाले आवाज नहीं, जो उनके विचार वो लेखन के द्वारा प्रकट करते थे वो आवाज थी, रसल की आवाज में बहुत नैतिक प्रभाव था, मॉरल अथॉरिटी, नैतिक प्रभाव, मतलब लोग मानते थे कि ये इतने सही बात कह रहे हैं कि इनकी बात को न सुनना एक गलती हो जाएगी। He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style. ये नई बातें रखते थे, इनके विचार किसी और के विचारों का दोहराया जाना नहीं थे, इनकी अपनी नई सोच थी। एंड प्रोवोकेटिव, लोगों को उत्तेजित करने वाले विचार थे। इन हिज एटीट्यूड, इनकी प्रवृत्ति थी कि लोग इनकी बातों को सुनकर, इनके लेख को पढ़कर उत्तेजित हों। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और लिखने की जो शैली थी इनकी, जो स्टाइल था वो एकदम साफ था और उसमें बहुत प्रभाव होता था। इस हिस्से के नए शब्द इंटेलेक्चुअल्स, लंबा शब्द है, इसकी स्पेलिंग याद करना जरूरी है। इसको आप बांट सकते हैं इन टेल, आई एन टी ई एल एल, एक्चुअल, ई सी टी यू ए एल, और प्लूरल के लिए एस, इंटेलेक्चुअल्स। मॉरल, अथॉरिटी, प्रोवोकेटिव, ये भी लंबा शब्द है, इसको भी आपको बांट लेना चाहिए। प्रो वो कैटिव, प्रोवोकेटिव। फिर आपकी किताब में लिखा है ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक मतलब जो बहुत सारा लिखे, इन्होंने कई किताबें लिखी, एक किताब नहीं, इन्होंने कई किताबों का लेखन किया। हिज वर्क्स इंक्लूड, वर्क्स मतलब इनकी किताबों में शामिल है A History of Western Philosophy, Human Knowledge, Its Scope and Limits, Authority and the Individual, Fact and Fiction, My Philosophical Development, The Conquest of Happiness, Marriage and Morals, Roads to Freedom, In Praise of Idleness, Why I Am Not a Christian. बहुत सारी किताबों का यहाँ पे जिक्र है, कोई दो तीन के नाम आप याद कर लीजिए, जिनके नाम साफ साफ दिख रहे हैं उसी को याद कर लीजिए। एक तो हम जानते हैं कि ये दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर से, तो फिलोसफी जिन किताबों के नाम में है वो याद कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, माई फिलोसॉफिकल डिवेलपमेंट, फिर जो ऊपर दिख रहे हैं पूरे पूरे टाइटल, रोड्स टू फ्रीडम, वो याद कर लेते हैं। इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये याद करना इसलिए भी आसान है कि फ्रीडम, आजादी किसे नहीं अच्छी लगती, आइडलनेस, आलस करना भी सबको कभी ना कभी अच्छा ही लगता है, तो ये चार नाम हम याद कर लेते हैं। इन 1950 रसल वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और ये प्राइज देते समय नोबेल समिति ने क्या कहा, ये अब तक आपको शायद पता हो कि नोबेल प्राइज साहित्य की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये इनको 1950 में मिला। और ये पुरस्कार देते समय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, पुरस्कार कमेटी ने कहा,
in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought. Champions matlab phir samarthan karna aur bahut zor se samarthan karna. किस चीज का समर्थन ये करते थे? ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स के, ऐसे प्रिंसिपल्स के जो मानवता संबंधी हो, जो लोगों में टॉलरेंस बढ़ाएं, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता बढ़ाएं, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, और सोचने की आजादी, जिन विचारों से मिले उसको बढ़त करने के ये समर्थक थे. भारतीय सरकार ने भी बर्ट्रंड रसल को पहचाना और इनका सम्मान किया 1972 में, जब इनके जन्म की शताब्दी का वर्ष था, तब भारतीय पोस्टल विभाग ने एक टिकट जारी किया जिसपे बर्ट्रंड रसल की फोटो थी. 1 रुपए 45 पैसे का टिकट था. आगे पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों से अपने आप को परिचित करा लेते हैं, फिर जब ये शब्द आएंगे लेसन में तो आशा करती हूँ कि आपको ये पुराने मित्रों जैसे लगेंगे और इनसे आप घबराएंगे नहीं और इनको आसानी से समझ सकेंगे. कंसेप्शन माने अवधारणा, कोई सोच रखना, समझ रखना. डाइवर्सिटी विभिन्नता. प्रेलिमिनरी प्रारंभिक विचार, प्रारंभिक दौर. फिर याद दिलाऊंगी कि आप कॉपी निकालना मत भूलें और इनको साथ साथ अपने कॉपी में उतारना ना भूलें इन शब्दों को. होमो सेपियंस आदि मानव. सबसिस्ट गुजारा करना. प्रिकैरियसली दुविधा से. ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द यहाँ पे हैं. इनकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए. अब शब्दावली आगे बढ़ाते हैं. एडवांटेज सुविधा. क्यूमुलेटिव जुड़ने वाला, जोड़ जोड़ के अधिक होने वाला. इनड्यूबिटेबल लंबे शब्दों को तोड़ लीजिए उनका स्पेलिंग याद करने के लिए. इनड्यूबिटेबल संशयहीन, जिसपे कोई संशय ना हो. इन्फेंसी शैशव बचपन. अजिलिटी फुर्ती. हर्स्यूट झबरा बालदार. कॉन्जेनिटल जन्मजात. अगर इन शब्दों के मतलब आप याद कर लेंगे तो इनका शब्दों में, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना भी आना चाहिए. तो हम कुछ वाक्य देखेंगे जिनमें ये शब्द फिट आने चाहिए. शब्दों का अभ्यास करने के लिए हमने 6 शब्द चुने हैं, सभी का अभ्यास नहीं करेंगे. ये है अजिलिटी, कंसेप्शन, डाइवर्सिटी, इंड्यूबिटेबल, प्रिकैरियस, प्रिलिमिनरी. आप अपने नोटबुक में देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या है. भूल गए हैं तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं. और इन्हीं 6 शब्दों से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं. पहला रिक्त स्थान, बिल्डिंग अ डैम इज नॉट इजी, वी हैव सम डैश ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क. डैम बांध बनाना आसान काम नहीं है, हमें कुछ डैश है कि ये कितना मुश्किल काम है. अगला शब्द, इंडियंस आर प्राउड ऑफ देयर कल्चरल डैश. भारतीय लोग अपनी कल्चरल सांस्कृतिक डैश पर गर्व करते हैं. बिफोर वी टॉक अबाउट द टॉपिक इन डिटेल आई विल मेक अ फ्यू डैश रिमार्क्स अबाउट इट. इससे पहले कि हम विषय के बारे में विस्तार में डिटेल में बात करें, मैं उसके बारे में कुछ डैश रिमार्क्स कहूंगी. It is dash that scientific thinking is necessary for progress. ये
डैश है कि साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच जरूरी है विकास के लिए, फॉर प्रोग्रेस. पांचवा, पीपल इन एरियाज दैट फ्लड फ्रीक्वेंटली हैव डैश लाइव्स. जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं उनकी उनका जीवन डैश होता है. आखिरी, मंकीज आर नोन फॉर देयर डैश. बंदरों को उनकी डैश के लिए जाना जाता है. बंदरों में इन शब्दों में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सा ऐसा गुण है जिसके लिए सब बंदरों, जो बंदरों से अक्सर संबंधित रहता है. पॉज कर दीजिए वीडियो 5 मिनट के लिए और सोचिए कि कौन सा शब्द कहाँ जाएगा, उसके बाद मेरे उत्तर देखिए. बिल्डिंग अ डैम इज नॉट इजी. वी हैव सम कॉन्सेप्शन ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क. इंडियंस आर प्राउड ऑफ देयर कल्चरल डाइवर्सिटी. Before we talk about the topic in detail, I will make a few preliminary remarks about it. Chautha, it is dash that scientific thinking is necessary for progress. It is indubitable. इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है कि बिना वैज्ञानिक सोच रखे हुए प्रगति नहीं हो सकती. पीपल इन एरियाज दैट फ्लड फ्रीक्वेंटली हैव प्रिकेरियस लाइव्स. उनके दुविधापूर्ण जीवन होता है जो लोग बाढ़ग्रस्त जगहों पर रहते हैं. मंकीज आर नोन फॉर देयर एजिलिटी. फुर्तीला जानवर होता है बंदर, नोन फॉर हिज एजिलिटी. अब हम पाठ का वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए ध्यान में रखिएगा जो शब्दावली आपने अभी लिखी है. अगला हिस्सा देखने से पहले उस शब्दावली पे एक नजर और डाल दीजिएगा, उसकी स्पेलिंग आपको आती हो और उसके मतलब आते हो. ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है, इस वीडियो का ये हिस्सा यहाँ समाप्त होता है.